मैं युवा मंडल प्रभारी हूँ जन अधिकार पार्टी का। हम लोग लगातार 66वां सप्ताह से धरना देते चले आ रहे हैं। गरीबों, मजलूमों और किसानों के सम्मान के लिए हम हक अधिकार और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों के अगुआ माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का निर्देश है, जिसकी जितनी संख्या भाई उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार 66वां सप्ताह के साथ पूरे प्रदेश के 75 जिलों में धरना देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी एक भी मांग को माना नहीं है। न वो कृषि कानून वापस लिया है, न बिजली डीजल पेट्रोल इन सबके बढ़े हुए कीमतों को वापस लिया है, और 69,000 भर्ती में जो पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, लखनऊ में जो लाठियां चली हैं उनके लिए पिछड़ों का जो हक हिस्सा था उसको छीन लिया गया, उसके लिए भी लखनऊ में भी धरना चल रहा है लगातार, और यहाँ पर भी धरना चलेगा। और इसी तरह सरकार हम लोगों को अगर बातों के नहीं मानेंगे तो हम धरने का और तेज करेंगे, और ये तेज करने के साथ इसको और तेज़ी से आक्रोशित धरना हम लोग देंगे, जिससे सरकार की कान में जू जाए और आने वाले चुनाव में उनको भी समझ में आ जाए कि सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, वो सिर्फ हवा में काम की है और हवा की बातें बता रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह अराजकता है, हर जगह अराजकता है, आक्रोश है, और जनता को लगातार बरगलाया जा रहा है झूठे वादों के साथ, और इनके साथ कुछ नहीं हुआ है आज तक। इनका जो सब व्यवस्था थी सब फेल हो गई है, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जी, धन्यवाद।